हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारे लिए ऋत्विक गर्ग जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे अभी कुछ दिनों पहले हुए वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। खेली गई थी इंग्लैंड में, राउंड वन की ये गेम है। खेली गई थी पोलैंड के खिलाड़ी तस्वीर मार्सिन और उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी नोवरदेक अब्दुल सत्तार राव। तो शुरू करते हैं सीधा इस गेम को। यहाँ C4 इंग्लिश ओपनिंग के साथ मार्सिन ने शुरू किया, नाइट F6 यहाँ अब्दुल सत्तार राव ने खेला, G3 हुआ, देन E6, बिशप G2, देन D5, नाइट F3, D4, कैसल यहाँ वाइट ने किया, देन नाइट आया C6 स्क्वायर पर, D3, देन बिशप C5 स्क्वायर पर A3। और यहाँ A3 के बाद क्या प्लानिंग है, बी पॉन को आगे पुश करके बिशप पर कंटिन्यूअसली बार बार अटैक बनाने की है। तो A5 पहले ही यहाँ ब्लैक ने कर दिया है। इसके बाद खेला गया E4, देन हुआ E5 ताकि पॉन ज्यादा खामा खामा परेशान ना करे। नाइट गया H4 स्क्वायर पर, और नाइट यहाँ से कहाँ जाएगा, डेफिनेटली इस F5 स्क्वायर पर जाएगा। तो ब्लैक ने यहाँ पहला काम कैसल करने का किया, देन हुआ H3, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन नाइट F5, रुक E8, नाइट टेक्स E7 विद चेक, क्वीन टेक्स E7, देन हुआ F4, E टेक्स F4, G टेक्स F4। मैं यहां मानकर चल रहा था कि शायद बिशप डेवलप होगा इस मूव के बाद। नाइट आया D7 स्क्वायर पर, देन नाइट D2, नाइट C5, देन क्वीन गई F3 स्क्वायर पर। यहां इस D3 पॉन का डिफेंस भी तो करना था। A4, देन हुआ रुक B1, वैसे A4 होने के बाद देखते हैं क्या होगा, B6, देन B4, नाइट पर अटैक बना, तो ए टेक्स B3 एनपेसेंट हुआ, नाइट टेक्स B3, देन नाइट गया A4 स्क्वायर पर। और यहां ब्लैक के नाइट के लिए बहुत अच्छी आउटपोस्ट फ्यूचर में तैयार होने वाली है। पहले यहाँ मूव आया E5 का, और यहाँ इस नाइट पर अटैक है। इसका डिफेंस काफी सिंपल है, बिशप को B7 स्क्वायर पर ले जाने का। और मेरे ख्याल से कभी भी क्वीन को किसी अटैकिंग पीस के सामने नहीं रखना चाहिए, तो इसीलिए वाइट को यहाँ इस क्वीन को हटा लेना चाहिए था F2 जैसे किसी स्क्वायर पर। लेकिन यहाँ हुआ नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4 थोड़ा सरप्राइजिंग मूव है। यहाँ क्वीन पर भी अटैक बना है और आप यहाँ नाइट पर भी बन रहा है, खैर बिशप तो लिया जा सकता है, क्वीन टेक्स B7, दैट्स इट। लेकिन इसके बाद यहाँ खेला गया नाइट C3। फ्रेंड्स, नाइट के C3 स्क्वायर पर जाने से ज्यादा बेटर क्या, नाइट को C5 स्क्वायर पर ले जाना ठीक नहीं था, डायरेक्टली यहाँ क्वीन पर अटैक बनता। और अब ये क्वीन कहाँ जाती है, थिंक ये दो एक स्क्वायर है अवेलेबल इस क्वीन के जाने के लिए। क्वीन टेक्स A8 की ऑप्शन भी व्हाइट के पास होती, रुक टेक्स A8 होता, देन बिशप टेक्स A8, नाइट E2 चेक, और उसके बाद फिर फर्दर ये गेम इस कुछ इस तरीके से आगे बढ़ सकती थी। काफी एक्टिव इफेक्टिव गेम होती यहाँ से। खैर, आइए वही देखते हैं जो गेम में हुआ था। यहाँ हुआ था नाइट C3, रुक पर अटैक बना, देन बिशप E3 यहाँ पहले नदरबेक ने किया। और इस पॉइंट पर आई थिंक ब्लैक काफी कुछ चल सकता था। आई थिंक रुक टेक्स A3 जैसा कोई मूव खेला जा सकता था। उसके बाद क्या होता, अगर यहाँ बिशप से इस नाइट को लिया भी जाता, देन नाइट E2 चेक, दूसरा नाइट सही स्क्वायर पर था, किंग H1 स्क्वायर पर जाता, और यहाँ मेटल एक्सचेंज को कंप्लीट किया जा सकता था। लेकिन यहाँ हुआ था रुक एट ई गोज टू B8, और ऐसे मौके को आखिर कौन छोड़ेगा। यहाँ आप व्हाइट की स्क्वीन को देखिए, जाने के लिए स्क्वायर कौन सा अवेलेबल है, कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। बिशप टेक्स D4, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि व्हाइट से वो यहाँ अपनी क्वीन देकर दो रुक्स ले सकते हैं ब्लैक के, लेकिन रुक टेक्स B7, क्वीन सेक्रीफाइस आई है, बिशप टेक्स C3। और यहाँ आप इस बिशप की पोजीशन को देखिए, दोनों रुक्स पर अटैक है, लिया जा सकता था, लेकिन C6 पहले यहाँ पर ब्लैक ने चला। क्यों, क्योंकि अगर बिशप टेक्स C6 अब अगर व्हाइट ने किया, तो क्वीन C5 चेक, और चेक देने के बाद एक और चेक देने के साथ साथ यहाँ इस बिशप को भी लिया जा सकता है। बिशप आया D4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, दैट्स बेटर, तो क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, यहाँ इस C7 पॉन पर डिफेंस भी करना था। बिशप आया D6 स्क्वायर पर, रुक D8, देन हुआ D4, B3 कोई जरूरत नहीं है, सी पॉन आगे पुश कर दिया गया है, देन रुक आया A7 स्क्वायर पर, और यहाँ इस A3 पॉन पर अटैक है, तो रुक B3 यहाँ व्हाइट ने किया, देन हुआ रुक A6, तो D5। रुक का A6 स्क्वायर पर जाना मुझे कुछ बहुत ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आया है। सी टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, देन हुआ G6, बैक रैंक चेक, रुक अटैक गोज टू B1, और यहाँ इस B5 पॉन को लेने की पूरी तैयारी है।
तो क्वीन गई F5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ क्वीन के F5 स्क्वायर पर जाने की गेम प्लान को आप समझिए। वैसे तो मेरी नज़र में इस बी पॉन को लेने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन यहाँ मान लेते हैं कि व्हाइट कुछ और करता है, सिंपल बिशप को G2 स्क्वायर पर लेकर जाता है। तो ब्लैक यहाँ रुक टेक A3 कर सकता है, क्योंकि यहाँ रुक एक्सचेंज नहीं किए जा सकते, अदरवाइज क्वीन से व्हाइट के दूसरे रुक को आराम से लिया जा सकता है। खैर फ्रेंड्स बहुत ऑर्डिनरी मूव था। यहां पर खेला गया C6। C6 थोड़ा सा वीक है, क्यों? क्योंकि इस पॉन को क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है, खासकर जब जब ब्लैक के लगभग सभी पीसेस का डिफेंस यहाँ C8 स्क्वायर तक हो। यहाँ क्या किया जा सकता था? यहाँ हो सकता था Rxd6। Rxd6 क्यों हो सकता था? क्योंकि अगर यहाँ व्हाइट Etxd6 करता है देन Qxd5। आई थिंक यहाँ से अगर हम कहें तो ब्लैक को काफी अपर हैंड होता है क्लियरली। ये दो पॉन कहीं नहीं जाने वाले, क्वीन है रुक है इन दोनों पॉन्स के लिए। अगर हम पीस कंपैरिजन यहां पर करें तो दोनों रुक्स के सामने क्वीन लगा लेते हैं, यानी कि ब्लैक के पास पूरा एक रुक एक्स्ट्रा होता। लेकिन यहां हुआ था क्वीन टेक्स F4, देन हुआ C7 रुक पर अटैक, रुक गया C8 स्क्वायर पर, पॉन नहीं प्रमोट होने वाला, लेकिन बिशप B7 मूव काफी स्ट्रांग हो जाता है। रुक टेक्स C7 और यहां पर रुक देना ही पड़ा फाइनली ब्लैक को। बिशप टेक्स C7 दरुम रुक गया A7 स्क्वायर पर, कोई दिक्कत नहीं है। रुक टेक्स B7 बिशप पर अपने डिफेंस हुआ, क्वीन G3 चेक। लेकिन ब्लैक के पास आखिरकार इस गेम में क्या है? ड्रॉ कराने की पूरे चांसेस हैं। किंग गया H1 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स H3 चेक, किंग गया G1 स्क्वायर पर। और यहाँ फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक इस पॉन को लेने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉन आइदर क्वीन से भी लिया जा सकता है या फिर रुक से लिया जाएगा, तो इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। दिखने में लगता है कि माइट भी कुछ चेकमेटिंग थ्रेट्स बनती है, पर व्हाइट यहाँ अपने सी पॉन को आगे पुश करके यहाँ कह सकते हैं G3 और उसके बाद H2 स्क्वायर दोनों का डिफेंस कर सकता है। खैर यहाँ खेला गया क्वीन G4 चेक, किंग है H1 स्क्वायर पर, देन क्वीन GH3 चेक, किंग है G1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से ब्लैक को व्हाइट के इस बिशप का पूरा ध्यान रखना चाहिए था, तो वो यहाँ रिपीटेड चेक्स देकर अपने ड्रॉ की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते थे। वो यहाँ कर सकते थे क्वीन G3 चेक, किंग H1, क्वीन H4 चेक, किंग G1, देन क्वीन G4 चेक, किंग H1, और किंग ब्लैक यहाँ अपने क्वीन की पोजीशन को इम्प्रूव करके फिर इसके बाद रुक टेक्स H3 कर सकता था। लेकिन जो हुआ नहीं उस पर क्या डिस्कस करना, वही देखते हैं जो गेम में हुआ था। यहाँ हुआ था क्वीन E3 चेक, बहुत ऑड स्क्वायर से चेक दी है, किंग H1 स्क्वायर पर, और अब रुक A4। रुक A4 माइट बी अ पॉसिबिलिटी, लेकिन E6 फिर भी हो सकता है, रुक H4 चेक होगा भी। खैर कुछ चांसेस तो यहाँ से भी बनते थे, बिशप बीच में लग जाता इसके बाद तो। खैर यहाँ हुआ किंग G7 फॉर ब्लैक, बिशप आया D6 स्क्वायर पर, देन रुक गया A4 स्क्वायर पर, और वही थ्रेट जो भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था दी जा सकती है। तो इस पॉइंट पर आई थिंक रुक B2 वॉज बेस्ट ऑप्शन फॉर वाइट। यहाँ अगर सामने वाला अटैक कर रहा है तो थोड़ा डिफेंस करना चाहिए था, लेकिन यहाँ खेला गया बिशप E7, क्वीन H3 चेक, किंग गया G1 स्क्वायर पर, रुक G4 चेक, किंग गया F2 स्क्वायर पर, क्वीन H2 चेक। अगर व्हाइट की गेम में कुछ पॉन्स होते किंग के सामने तो मेरे ख्याल से ब्लैक अब तक रिजाइन कर चुका होता, ब्लैक खेल ही इस वजह से पा रहा है। किंग गया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन F4 चेक, किंग गया E2 स्क्वायर पर, देन क्वीन C4 चेक, किंग F2 स्क्वायर पर, क्वीन C2 चेक, किंग E3, रुक G3 चेक, किंग F4 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना क्वीन F2 चेक। कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक के पास बहुत स्पेस है चेक्स देने के लिए। किंग गया E4 स्क्वायर पर, और यहाँ मेरे ख्याल से जिस तरह की पोजिशन ब्लैक अचीव कर चुका है डेफिनेटली वो यहाँ चेक मेट कर सकता है, वो यहाँ क्वीन F3 चेक के ऑप्शन को कंसिडर कर सकता था, नो डाउट। किंग यहाँ से D4 स्क्वायर पर जाता, देन क्वीन C3 चेक होता, किंग D5 स्क्वायर पर जाता, देन रुक D3 चेक होता, किंग को फाइनली E4 स्क्वायर पर ही जाना होता, उसके बाद आइदर क्वीन या रुक D4 चेक एंड दैट वुड बी मेट। लेकिन यहां पर नदर बेक ने थोड़ा मुश्किल रास्ता चुना, उन्होंने यहाँ क्वीन F5 चेक किया, किंग को D5 स्क्वायर पर जाने कर छुपने का मौका मिल गया। देन हुआ रुक D3 चेक, किंग गया H3 स्क्वायर पर, और अब रुक को हटाया गया, रुक गया F6 स्क्वायर पर, H3 स्क्वायर पर, बिशप F5 चेक। और फ्रेंड्स क्या चांसेस थे, क्या गेम प्लान थे वाइट के। वाइट चाहता था कि ब्लैक का ये किंग 8th रैंक में पहुंच जाए और उसके बाद जितना अच्छी हो सके उससे अच्छी यहाँ बैक रैंक चेकमेट की पॉसिबिलिटीज को ढूंढा जाए, जो आसान नहीं है। ब्लैक ने अपने किंग को रखा H6 स्क्वायर पर, और शायद यही कारण था अभी पिछले मूव में ब्लैक का कि वो अपने रुक को H3 स्क्वायर पर लेकर आया, अदरवाइज चेकमेट हो चुकी होती यहाँ तक।
यहाँ इस पॉइंट पर रुक B3 वॉज बेटर ऑप्शन फॉर वाइट, क्यों? कुछ चेक्स भी आती हैं तो उसके बाद रुक मेटल एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, और एक क्वीन के सामने दो बिशप एक रुक गेम में फाइट बनती मेरे हिसाब से यहाँ से। लेकिन यहाँ हुआ था Bd5, और बिशप के D5 स्क्वायर पर आने के बाद आप व्हाइट के किंग की पोजीशन को देखिए, जिसकी वजह से ब्लैक को मौका मिला चेकमेट करने का। नदरबेक ने यहाँ किया क्वीन C2 चेक, किंग है D4 स्क्वायर पर क्वीन C3 चेक, एंड किंग है E4 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था यहाँ पर नदरबेक का, वो था क्वीन E3 चेक, और यहाँ ये मेट। फ्रेंड्स बहुत मैराथन गेम है मेरे हिसाब से, और रिपीटेड चेक्स की खासकर। व्हाइट लगभग मेरी नजर में ये गेम जीत चुका था अगर उसे अपने किंग को छुपाने के लिए कुछ पॉन्स होते तो, लेकिन वो थे नहीं, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ हार का सामना करना पड़ा। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।